हेलो डियर टेंथ क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ड्रीम्स मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी टी सैट केमिस्ट्री के साथ आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एमसीक्यूज लेवल टू को डील करने वाले हैं मैगनेट ड्रीम्स किंडरगार्डन से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक एन सी स्टेट बोर्ड्स एन टी इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको हंड्रेड फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे दो तीन वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें हंड्रेड परसेंट फ्री है मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है जिसमें वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में थ्योरी कंटेंट और सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल C14 has a half life of ये theoretical question है आपको इसे memorize करना पड़ेगा that C14 जो carbon 14 है उसकी half life 5760 साल that is 5760 years होती है मतलब अगर आपने carbon के 14 isotope को इतना छोड़ा है तो 5760 years में वो अपनी half amount पे आ जाएगा half life कि वो जितना total है उससे half amount बचे that is option C okay next पार्टिकल एल्फा पार्टिकल इज इमिटेड बाय एक्स देखिए एक्स नाइनटी टू है उसका एटॉमिक नंबर और टू थर्टी एट है उसका मास ध्यान से देखिए अब अल्फा पार्टिकल निकल गया इसमें से तो अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर मतलब हीलियम हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है दो तो दो आप कम कर दो इसमें से ये और उसका मास होता है फोर तो आपने फोर हटा दिया इसका मतलब ये हो गया टू थर्टी फोर बचा द न्यू स्पीशीज वाई शुड बी तो वाई जो न्यू स्पीशीज है वो क्या होगी वो ये होगी नाइनटी एंड टू थर्टी फोर ऑप्शन ए ठीक है आगे बढ़ते हैं Right. मतलब मतलब तो तो सोलह हो गया इसका मतलब उनने पूछा है कि अल्फा पार्टिकल अगर निकला तो क्या होगा अब एलिमेंट मूव टू प्लेसेस टू द राइट नहीं क्योंकि कम हो रहा है अटोमिक नंबर तो लेफ्ट की तरफ आएगा

Uh, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अगेन वन बाय एटीन हंड्रेड मतलब अगर हम सबसे हल्के न्यूक् न्यूक्लियस को भी मेजर कंपेयर uh, करें इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन उसका वन बाय एटीन हंड्रेड मास है मतलब वन बाय एटीन हंड्रेड पार्ट उसका एक एलिमेंट होगा uh, एक इलेक्ट्रॉन होगा इतना हल्का होता है एक इलेक्ट्रॉन सबसे हल्के न्यूक्लियस के कंपेरिजन में सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट

एट वन अगर हम स्कैंडियम की करें सो टू एट एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ये हो जाएगा टू एट एटीन एंड देन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी एट इसका ट्वेंटी वन है एटॉमिक नंबर मतलब टू एट एट वन एटीन नहीं होगा ये ये हो जाएगा टू एट नाइन नाइन प्लस वन टेन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी एक और टेन टेन प्लस एट एटीन प्लस टू ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन ये हो गया इस तरीके से फ्लोरीन हो गया टू सेवन और नाइट्रोजन हो गया टू फाइव अब इलेवेंथ में एक फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ बा प्रिंसिपल वो है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स सेवन एट नाइन टेन थ्री एस वन अगर हम स्कैंडियम को देखें तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स सिक्स ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी ओके सो ये हो जाएगा हमारा कितना जो थर्ड शेल है छः सात आठ नौ इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है इसमें लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है फोर एस में फ्लोरिन का हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव सिक्स एट नाइन और नाइट्रोजन है 1, S2, 2, S2, 2, P, 5, 6, 7 है तो मतलब फोर में एस टू दो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ एकमात्र यही है जिसमें आउटोमोशियल में एक अकेला इलेक्ट्रॉन है सोडियम ऑप्शन है ये जो फिलिंग होती है इलेवेंथ के स्ट्रक्चर ऑफ इलेवेंथ क्लास में आपको चैप्टर्स uh, आएंगे जो आपका केमिकल बॉन्डिंग होगा केमिकल बॉन्डिंग में इस तरीके से फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको सिखाया जाएगा ऑप्शन ए सोडियम फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इट वॉज कंक्लूडेड दैट मास ऑफ प्रोटोन इज इन फ्रैक्शन नहीं मैटर कंटेन इलेक्ट्रॉन जो हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें से कैथोड रेस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ही तो निकले थे तो हमने ये कन्फर्म किया था कि भाई मैटर में इलेक्ट्रॉन होता है है ना सो ऑप्शन बी मैटर कंटेन इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हु मॉडिफाइड बोहर थी इंट्रोड्यूसिंग एलिप्टिकल इलेक्ट्रॉन पाथ बोहर ने बोला था भाई, सर्कुलर पाथ है, नहीं बाद में एक साइंटिस्ट आए सोमोफेल्ड सोमोफेल्ड ने बोला कि जो पाथ है इलेक्ट्रॉन के वो एलिप्टिकल है जैसे प्लान घूमते हैं ना सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते वो एलिप्टिकल होते हैं ऐसे पिचके हुए जैसे ये सन है तो हो सकता है भाई कोई इलेक्ट्रॉन कोई प्लान ऐसा घूम रहा हो कोई प्लान ऐसा घूम रहा हो जरूरी थोड़ी परफेक्ट सर्कल में ही घूम रहे हो तो ये फेल्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे दिस इज है थियोरिटिकल करना पड़ेगा ऑप्शन डी इनने बोला था कि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं कैथोड रेस कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय कैथोड रेस को आप कैसे डिफ्लेक्ट कर सकते हो कैथोड रेस को आप मैग्नेटिक फील्ड से और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से कर सकते हो तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि भाई दोनों से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है एज इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्राम न्यूक्लियस, इट पोटेंशियल एनर्जी अपनी जगहोडेट अफ डैश इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिम छ इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकते हैं अभी हमने फिलिंग करी थी एस पी uh, की तो s ऑर्बिटल जो होता है वो दो जो है वो डी जो है वो टेन और एफ जो है वो चौदह इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकता है तो पी ऑर्बिटल जो है वो में, uh, तो केमिकल बॉन्डिंग में इसका डिस्कशन किया जाता है तो कुछ लेवल टू में आपके इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो कि इलेवेंथ के स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिकल बॉन्डिंग वगैरह को टच करते हैं <coughs> option बी, The discovery of neutron became very late because न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं था इसलिए उसके बारे में पता नहीं चला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज था तो हमें पता चला सो ऑप्शन डी इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज ठीक एंड मीजोन वॉज डिस्कवर्ड बाई मीजोन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल आजकल आता है पढ़ने में आने लगा है उसको भी बताया गया है तो वो युकावा नाम के साइंटिस्ट ने फिजिसिस्ट थे ये फिजिक्स को जो

उसके सर्च बार में क्लास और सब्जेक्ट डालिए फिल्टर में प्लेलिस्ट सेट कीजिए आपको जैसे एंटर करेंगे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपके सब्जेक्ट और क्लास की आप वीडियोस को 100 परसेंट फ्री में एन नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं मोबाइल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके आप मोबाइल ऐप पर लॉइन कर सकते हैं गूगल पे जाके सीधा ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट ड्रेन की डब्ल्यू डब्लू डब्ल्यू डॉट मैगनेट ड्रेन डॉट कॉम पर जाकर आप वहां पे भी वीडियोस को देख सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और टेलीग्राम पे भी मैग्नेट ब्रेन अवेलेबल है जहां पे आप उन्हें फॉलोअर ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट मैग्नेट ब्रेन की तरफ से मिस ना करें मैग्नेट ब्रेन बुक्स और ई e बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है जिसके लिए अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आर टीम विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन